अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ समरीना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है दैट इज़ बजट डेफिसिट। तो व्हाट इज़ बजट डेफिसिट, व्हाट आर द टाइप्स एंड हाउ गवर्नमेंट कैन मिनिमाइज द डेफिसिट, व्हाट आर द सोर्सेज, मीन्स के डेफिसिट क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, या फिर उस डेफिसिट को मिनिमाइज गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुडेज टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट को बजट डेफिसिट भी कहा जाता है। तो अब डेफिसिट को सिंपल वर्ड्स में अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होता है घाटा या नुकसान। ठीक है, डेफिसिट हो गया मतलब कि नुकसान हो गया या घाटा हो रहा है। ये कब सिचुएशन अकर होती है? बेसिकली जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं रेवेन्यू से। फाइन, मींस एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू। अब इसकी सिचुएशन कब अकर होती है कि एक्सपेंडिचर कब बढ़ जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम डेफिसिट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पहले हाउस होल्ड की एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं। ठीक है, एक फैमिली में डेफिसिट की सिचुएशन को कैसे हम देखते हैं उसको हम देख लेते हैं। हाउस होल्ड की बात करें और तो उसका अगर अखराजात बढ़ जाएं, ठीक है, और आमदनी कम हो तो हम उसे डेफिसिट कहते हैं। जैसे कि एक हाउस होल्ड है, उसकी इनकम 10,000 है लेकिन उसका ख़र्चा कितना है, 15,000 है, तो हम कहेंगे दैट 5,000 इज़ डेफिसिट। के एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू, जितना उनका इनकम लेवल है वो कम है जबकि वो एक्सपेंडिचर उनकी जो है वो ज़्यादा है। अब वो एक्सपेंडिचर जो है उनकी क्या टाइप्स हो सकती हैं, वो कम क्यों नहीं कर सकते, वो 10,000 पे ही अपना गुजारा क्यों नहीं करते, तो वो कुछ सिचुएशन चेंज भी हो सकती हैं। लाइक उनका कुछ बेसिक नीड ही ऐसे होते हैं शायद कि वो 10,000 से नहीं बल्कि 15,000 से ही फुलफ़िल होते हैं। तो अब यहाँ पर हाउस होल्ड क्या करेगा, बाकी जितने भी पैसे हैं उसका उधार लेगा, ऐसा ही है ना। तो सेम सिचुएशन गवर्नमेंट की भी होती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए जबकि रेवेन्यू कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है 5 करोड़, ठीक है, तो रेवेन्यू उसको कितना हासिल हो रहा है, दैट इज़ 4 करोड़। तो यहाँ एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के दरमियान जो गैप है वो 1 करोड़ का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट। ठीक है, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ फिस्कल डेफिसिट में डे बाय डे इजाफा ही हो रहा है। सो मींस के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, रेवेन्यूज कम हैं। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर कौन से हो सकते हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस में इसको अच्छे से स्टडी किया है। लाइक एक्सपेंडिचर होते हैं मींस सैलरीज या गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज़ देती है, लाइक एजुकेशन, हॉस्पिटल्स या रोड कंस्ट्रक्ट करती है, या फिर जो भी वेलफेयर के लिए काम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे उनके एक्सपेंडिचर होते हैं। और रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, टैक्सेशन, यानी कि टैक्स के ज़रिए या फिर इस तरह से जो भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट जितने भी टैक्सेस की काइंड होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। तो मींस कि अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है, वो खर्च ज़्यादा कर रही है लेकिन रेवेन्यू कम आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा मींस के ब्रीफ कॉन्सेप्ट था अबाउट डेफिसिट, के डेफिसिट होता क्या है। ठीक है, यहाँ एक डेफिनेशन भी है, इसको हम देख लेते हैं। डेफिसिट इज़ द अमाउंट बाय विच द एक्सपेंस इन द बजट ओवर रीच द अर्निंग। एक बजट होता है जिसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंड इंक्रीज हो चुका है लेकिन अर्निंग्स कम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी द बजट सेट बाय विच द गवर्नमेंट एक्सपेंड ओवर रीच द गवर्नमेंट अर्निंग अमाउंट। ठीक है, तो ये सारा मींस के पहले जैसे हमने एक्सप्लेन कर लिया तो वो सारा यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी है कि टू मिनिमाइज डेफिसिट, तो डेफिसिट को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसको हम लेटर ऑन अभी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सो इट वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट द डेफिसिट। आगे हैं बजट डेफिसिट की टाइप्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। तो
मींस के तीन सिचुएशन जो हैं वो देखी जाती हैं डेफिसिट की, लाइक रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. तो इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं. व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट? ये कौन सी सिचुएशन है जहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीप्ट से? ठीक है, एज़ यू कैन सी बाय द फार्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स. यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आ जाता है. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100, फाइन, और रेवेन्यू रिसीप्ट्स है 70. तो जो ये 30 है वो क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट, उसको हम कंसिडर करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट में. ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स की, तो आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या हैं. टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट्स तो हमें पता है कि ओवरऑल इकोनॉमी के जितने एक्सपेंडिचर हैं, ओवरऑल इकोनॉमी के जितने रिसीप्ट्स हैं वो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू की बात क्यों हुई है दोनों में? तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइक स्कॉलरशिप, पेंशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक स्टाफ सैलरीज, ETC, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स. ठीक है, और रेवेन्यू रिसीप्ट्स में कौन से आते हैं? टैक्स, लाइक ऑल टैक्सेशंस. ओके, अब यहाँ पे ये बात कंसीडर की जा सकती है, इसमें मंथली या डे टू डे एक्सपेंडिचर शामिल हैं. ठीक है, तो मीन्स जब वो बढ़ जाएं या एक्सीड कर जाएं रेवेन्यू रिसीप्ट से तो हम इसे रेवेन्यू डेफिसिट का नाम देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे हमने पढ़ना है जैसे फिस्कल डेफिसिट के बारे में. फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट इज़ ऑल अबाउट सेम, बट सम डिफरेंस इज़ देयर बिटवीन दीज टू डेफिसिट. ठीक है, तो उसको आपने जहन में रखना है कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है. ठीक है, वो हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट जब इसको पढ़ते हैं. तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? एज़ बाय द फार्मूला, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग. ठीक है, एक्सेप्ट बोरोइंग. तो ये फार्मूला यहाँ आके चेंज हो जाता है, यहाँ पे बोरोइंग को डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट का जो डिटेल, अगर हमने किसी भी गवर्नमेंट की मीन्स परफॉर्मेंस को देखना है तो यही कहा जाता है कि हम क्या करते हैं, हम फिस्कल डेफिसिट को देखते हैं. अब कैसे? हम उस इकोनॉमी की फिस्कल डेफिसिट को देखना चाहें, देखकर ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है. ठीक है, तो अब फिस्कल डेफिसिट को हम क्यों देखेंगे, हम रेवेन्यू डेफिसिट को क्यों नहीं देखते? तो इसका आंसर ये है कि फिस्कल डेफिसिट का मीन्स फिस्कल डेफिसिट हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट ने बोरो कितना करना है. ठीक है, कितना उसने आगे बोरो करना है. लेकिन क्या है ये रेवेन्यू डेफिसिट हमें इस चीज़ का आंसर नहीं देता कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो करना है. रेवेन्यू डेफिसिट हमें जस्ट इतना बताता है कि डेफिसिट है कितना, एक्सपेंडिचर कितने और रिसिप्ट्स कितने हैं. जबकि फिस्कल डेफिसिट में हमें बोरोइंग का भी पता चल जाता है कि गवर्नमेंट को अब डेफिसिट तो है, अब उसने बोरो कितना करना है, यानी कि कितना स्टेप लेना है. रादर अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 30 हमने निकाल ली है, तो इट मीन्स कि 30 हमने बोरो ही करना है. नो, नॉट एट ऑल. 30 जो है वो मीन्स गैप आ गया है गवर्नमेंट के पास, हमें तो यहाँ पे सिर्फ इतना पता चला है ना. अब हम फिस्कल डेफिसिट में ये एग्जांपल लेके चलते हैं. टोटल एक्सपेंडिचर है 100, टोटल रिसीप्ट्स हैं 70. डिफरेंस कितना आ गया है? 30 का. तो अब उसमें भी 30 का था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इनिशिएटिव मीन्स के फ़ौरन से इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले लेगी कि अब मैंने बोरो करना है. इट टेक्स टाइम, और वो दूसरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करेगी, अपने एसेट्स को सेल करने की कोशिश करेगी जो मीन्स के लोन प्रोवाइड किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ से अर्निंग्स का वेट करेगी कि वहाँ से अगर मिल सकता है गवर्नमेंट को मीन्स जो लोन एबल जो भी मीन्स के कहीं भी लोन दिया हुआ है तो वहाँ से जो भी वापस आने का जो भी मीन्स ड्यूरेशन है तो उसके कंप्लीट होने का वेट करेगी कि क्या पता वहाँ से मुझे सारा पैसा वापस मिल जाए, या फिर अपने एसेट्स को ही वो सेल करेगी. तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगी.
वो कहाँ होंगी, वो फिजिकल डेफिसिट में होंगी। इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करने के बाद लेट्स सपोज कि 30 हमें यहाँ पे मिल गया, 30 में से 10% जो है वो अब फुलफ़िल हो गया है, जितने भी सोर्सेज थे गवर्नमेंट ने यूटिलाइज़ कर लिए हैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ करने के बाद, अब डेफिसिट आ गया 20। तो अब 20 हमें ये बताएगा इट इज़ एक्चुअल बोरोइंग, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने अब मींस 20 जस्ट जो है 20 का अब गुजारा नहीं है, अब कहीं से 20 जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा, तो वो गैप जो है वो बोरोइंग से फिल होगा, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल टू बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट हमें ये बता देता है कि अब बोरो कितना करना है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल आप यूँ भी ले सकते हैं ना, जैसे आपका अपनी फैमिली है, ठीक है, आपने 15,000 पे खर्च करने हैं लेकिन आपके पास अर्निंग 10,000 है, तो क्या आप फ़ौरन से जाके 5,000 का उधार ले लेंगे? नहीं, आप कुछ और रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, लाइक आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो उससे वापस लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपने अखराजात को कम करने की कोशिश करेंगे, आपके घर में कोई ऐसा सामान या कोई ऐसा मटेरियल है जिसको आप सेल कर सकते हैं, जो आपके यूज़ में नहीं है उसको सेल आउट करेंगे, ऐसा ही है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि अब कितना पैसा बचा है, लेट्स सपोज आपके पास अब 1,000 या 2,000 का गैप रह गया जो आपको बोरो करना ही करना है, तब आप बोरोइंग की तरफ जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है, सेम मीन्स के फ़ौरन से वो बोरिंग का डिसीजन कभी भी नहीं लेगी कि अब जल्दी से मुझे बोरो कर लेना चाहिए, कभी भी नहीं, पता है ना कि बोरिंग जो है वो फर्दर आगे नुकसान ही देगी, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल टू बोरिंग। तो हमने किसी भी इकोनॉमी का मीन्स परफॉर्मेंस लेवल देखना है या उसको कितना बोरो करना है इकोनॉमी को, हम फिस्कल डेफिसिट को देखते हैं। सो वी कैन से फिस्कल डेफिसिट लाइक इट इज़ द मोर कम्प्रीहेंसिव वे, ठीक है, और इट इज़ इट गिव्स अस मोर कम्प्रीहेंसिव व्यू अबाउट द डेफिसिट, फाइन, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के अगर फार्मूला की बात करें, सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट। अब यहाँ पे नेट इंटरेस्ट की बात आ रही है, तो वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट में आपको पता चल गया आपने बोरो कितना करना है, ऐसा ही है ना, तो उस बोरिंग पे आपने क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है, तो इसमें हमने देखना है इंटरेस्ट कितना पे करना है, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट मीन्स दिस वन एंड माइनस नेट इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट कितना पे करना है उसने, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, अब हम वन बाय वन सबकी डेफिनेशंस को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पब्लिक डेफिसिट क्या है, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट, सबसे पहले इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रेवेन्यू रिसर्व्स, ठीक है, जैसे कि ये फार्मूला से भी है। नेक्स्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज़ द प्राइमरी डेफिसिट, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट, करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट कितना है, एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, पिछले साल पे जो हमने मीन्स बोरो किया था उस पर हम अब पे कितना कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट्स, लाइक कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं। आई होप दीज सिचुएशन वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। सोर्सेज क्या हो सकते हैं जिससे गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को मिनिमाइज कर सकती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि डेफिसिट क्या होता है, तो अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास। तो फर्स्ट वन इज़ बोरोइंग, डेफिनेटली बोरो ही करेगी गवर्नमेंट। द फिस्कल डेफिसिट, अब आपको पता चल गया था कि फिस्कल डेफिसिट में ही हमें एक्चुअल पता चलता है कि हमने बोरो कितना करना है, इज़ अकॉम्प्लिश्ड बाय द बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। कहाँ से बोरो करेगी, कमर्शियल बैंक से, जैसे कि हमारे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है। इंटरनल सोर्सेज लाइक पब्लिक, ठीक है, एंड
फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक IMF। अब यहाँ पे क्या होता है, बोरोइंग भी दो तरह की होती है गवर्नमेंट के पास। हमारी बोरोइंग में और गवर्नमेंट की बोरोइंग में थोड़ा डिफरेंस है। ये आपने जब आपने पब्लिक पॉलिसी को मींस स्टार्ट में पढ़ा था तो आपने इस चीज़ को स्टडी किया था कि दो तरह की बोरोइंग होती है हमारी, चेंज होती है गवर्नमेंट से। हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक्सटर्नल बोरो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनल बोरो भी कर सकती है एंड एक्सटर्नल बोरिंग भी होती है उसके पास। इंटरनल बोरिंग क्या होती है, कमर्शियल बैंक से, ठीक है ना, एंड एक्सटर्नल बोरिंग क्या हो सकती है, लाइक IMF, ठीक है, जैसे कि उधार लिया जाता है वहाँ से। ओके, तो इस तरह से वो अपने मीन्स डेफिसिट को कम कर सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होगी, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बोरो फंड्स फ्रॉम RBI अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज टू मीट फिस्कल डेफिसिट। Therefore, IRBI issues new currencies for this purpose। ठीक है, एक और भी हो सकता है कि प्रिंटिंग ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज कर दी जाए बाय द सेंट्रल बैंक। तो इस तरह से भी मीन्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मीन्स अपने वेलफेयर के लिए उसको यूज़ कर सके। फाइन, सो इट वॉज ऑल अबाउट द डेफिसिट सोर्सेज एंड द टाइप्स ऑफ डेफिसिट। आई होप all this would be clear to all of you। Thank you so much for watching the video। Allah Hafiz।